आप देख रहे हैं TNB। अरुणाचल प्रदेश के कॉमेंग सेक्टर के ऊंचाई वाले इलाके में हुए एक हिमस्खलन की चपेट में 7 जवान आ गए। सभी 7 जवान एक गश्ती दल का हिस्सा थे। बता दें कि भारतीय सेना ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि इन जवानों की खोजबीन और बचाव का काम लगातार जारी है। बचाव अभियान में विशेष टीमों को एयरलिफ्ट किया गया है। इलाके में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी भी देखी जा रही है। वहीं इस घटना पर भारतीय सेना ने कहा कि सभी जवान 6 फरवरी से वहां फंसे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश आमतौर पर पश्चिम में कॉमेंग क्षेत्र और बाकी हिस्सों में विभाजित है। मालूम हो कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान के पास सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश समेत 1,346 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस कमान में 3 कोर शामिल है, 33वीं कोर सिक्किम, 4थी कोर कॉमेंग सेक्टर और 3री कोर शेष अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालती है। इसी इलाके में सरकार के आदेश के बाद देश का सीमा सड़क संगठन सड़क निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मालूम हो कि अरुणाचल प्रदेश में रविवार को देर रात भूकंप के तगड़े झटके भी महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि रविवार को रात करीब 10:49 पर अरुणाचल प्रदेश के पांगिन क्षेत्र में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। वहीं भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि पड़ोसी मुल्कों से सामरिक चुनौतियों को देखते हुए सीमा सड़क संगठन सड़कों के निर्माण में पूरी तरह शिद्दत के साथ जुटा है। सीमा सड़क संगठन की ही देन है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सरहदों पर बने रहे मजबूत पुल आकस्मिक परिस्थितियों में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीमा सड़क संगठन की ओर से हमारी सेनाओं को जल्द से जल्द सरहद तक पहुंचाने के लिए पुलों एवं सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।